आई होप पॉडकास्ट में भी सबको मजा आए इंशाल्लाह। 12 सितंबर को आ रहा है थर्सडे को, डू वॉच इट। डन डन, बाय। पीपल डोंट नो, लेट मी टेल फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम अ बाइपोलर पर्सन। आई हैव अ बाइपोलर डिसऑर्डर ऑन फेसबुक। क्राल को Who is your crawl code? यार तुम तो मेरा ही पॉडकास्ट कर रहे हो। So we are done. We are done और क्या? आदिल कश्मीरी के साथ हम हैं चांद नवाब from बीरवा बडगाम। दीना, वो गाड़ी का पीछे वाला शीशा। क्या बढ़िया था गुरु। ये साफ है, हमने किया था। साफ है, साफ नहीं है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। नेस्ले नो क्रॉस। ऑफ हो गया। छुट्टी डाय छुट्टी असल पट्टी खुद को मुबाश। बिल्कुल बस मैं फट रही हूँ, प्लीज ना ना, बस 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 अस लज वारिया नजर। शुक्रिया। अरे मैं बला वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैंने बहुत टाइम के बाद ऐसे ब्लॉग बनाया क्योंकि ये ब्लॉग है ये दिखाने के लिए कि जब मेरा ऑफिस टाइम ख़त्म होता है हाउ यू नो वुमेन इज़ अ मल्टीटास्कर एंड शी वेयर्स मल्टीपल हैट्स, है ना, ऐसा कुछ कहते करते हैं। तो आफ्टर ऑफिस आवर्स आई गो टू एलाइट स्टूडियो एंड वहाँ पे जो हमारा पॉडकास्ट आने वाला है उस पे हम कैसे काम करते हैं वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। स्टूडियो कहाँ पे है और टीम क्या है और कैसा हमारा स्टूडियो रूम है, हमारा चेंजिंग रूम है जो कि अभी डेवलप हो रहा है, इनिशियल स्टेजेस पे है। और मेरे ऑफिस से उतनी डिस्टेंस पे नहीं है सो इसीलिए ऑफिस के बाद आराम से वहाँ जाती हूँ, टेक सम रेस्ट एंड ऑल एंड देन वी डू शूट फॉर पॉडकास्ट। तो चले देख दिखाती हूँ आपको भी, बने रहे मेरे साथ। लाइक हाउ डिड यू गेट इनटू पॉडकास्टिंग, मतलब वो क्या चेंजेस रही आपकी ज़िंदगी में कि आपने डिसाइड करा कि नहीं पॉडकास्ट अब मुझे करना चाहिए? एक्चुअली ऑनेस्टली मतलब आई हैव बीन ऑलवेज द गेस्ट टू डिफरेंट यू नो पॉडकास्ट्स और इट्स बीन ऑलवेज लाइक आपको इनवाइट किया जाता है, आप बात करते हैं एंड ऑल दे क्वेश्चन अबाउट द सक्सेस, दे क्वेश्चन अबाउट अच्छा आपको ऐसे क्या लगता है, क्या नेगेटिविटी है। आई लाइक एवरी पॉडकास्ट इज गुड बट देयर आर सर्टन थिंग्स पीपल डोंट टॉक अबाउट एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड दैट प्लेटफॉर्म मैं लाऊँ कि जिस पे लोग बात कर सके एक कम्फर्ट, और जिन चीज़ों पे लोग अनकम्फर्टेबल हो बात करने पे वही बात करें क्योंकि सोसाइटी में वो प्रेविलेंट है। और मुझे नहीं पता है हाउ इट विल गो, कैसे होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि होगा। और दूसरा, व्हेन आई मेट अलाइव स्टूडियो की एंटायर टीम, रहनुमाई मोहतरम की एंटायर टीम, आई गॉट दैट सूफिज्म फ्लेवर विच अट्रैक्टेड मी टू द एंटायर टीम, लाइक नो दिस इज़ द टीम विद आई कैन वर्क विद बिकॉज आई हैड बीन यू नो आई हैड सो मेनी आइडियाज, सो मेनी थिंग्स इन माई माइंड ओवर द ईयर्स बट आई वॉज नॉट एक्चुअली डूइंग दैट और ब्रिंगिंग दैट ऑन द टेबल और ऑन माई सोशल मीडिया। इवन माई सोशल मीडिया इज़ वेरी रैंडम, आई हैव नेवर अरेंज्ड इट और डन एनी एडिटिंग और यू नो गिवन इट टू समवन प्लीज डू इट और लाइक हैड अ टीम टू टाई अप विद विच एवरी हेयर एंड देयर इवन इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी और अ नॉर्मल पर्सन डज फॉर द सोशल मीडिया दिस थिंग एंड दे राइटली डू सो बट फॉर मी इट वॉज मोर देन द वाइब्स टू मैच, द आइडियोलॉजीज टू मैच and no contradiction of the school of thoughts and like your way of thinking and most importantly comfort, homeliness, home environment, like homely, you feel in your own people and that vibe I got with all, like even if they were like anyone, be it Muni, be it, you, I know you from Big, right? We are friends, so it is like that.
beat with three brothers, Noman, Futa. I like how youngsters are into it and how they talk about Sufism, you know, and we should talk about it. And apart from Sufism, we should talk about other things also which are not on the table yet. And inshallah, thinking so. आपने पहले कुछ करा था प्लान किया मतलब आई शुड डू इट कि बस ये रैंडमली आपके दिमाग में आया सी हैविंग ओन पॉडकास्ट वाज देयर बट व्हाट एंड हाउ एंड वेयर ये नहीं पता सेकंड द डे आई यू नो दैट डे हैपेंड व्हेन वी वेंट टू दैट दरबार टू शूट दैट एंड आई नेवर न्यू दैट आई विल बी द होस्ट बिकॉज़ आई हैव नेवर डन एनी काइंड ऑफ होस्टिंग एवर इन माय लाइफ सो देयर आई वाज लाइक I have a team. They are thinking at the same line. And when I discussed, it popped up. So why don't we have the Kalpur ki baithak as a podcast? There, I will be the host and I will be inviting the different guests, irrespective of their status. I don't want if somebody is influencer, having a followers or not. Both are welcome. Every sort of personality is welcome on my podcast, irrespective of their followers or even if they are not on social media, it doesn't matter, but they are part of our society, how their lives, how every life has a story, and I want that story to be on a big screen. I want that through my lens. So yeah, that is how I guess jaise Kralpur ek randomly bana tha, waise hi Kralpur ki baat ek randomly. Okay, now I have a personal question. Okay, so how do you manage like office and then your passion? You know, like I've forced you from a while now. Ab office ka kaam finish karte and then you rush to the studio. And how do you like manage all the stuff? I guess you need high energy first. Okay. I believe Allah has blessed me with that. And maybe you don't know, many people don't know. Let me tell for the first time that I am a bipolar person. I have a bipolar disorder in psychology, we call it. And a bipolar disorder person are the most creative people in the world. And they are always high on energy. And at certain times, they are very low on energy. Like they can't do a single thing. Right now, I am in that phase where, and when you are at a high phase of energy, you utilize that on the maximum output. Because you never know when the energy levels fall, you're not even able to get up from the bed. Mm-hmm. Right? It's all hair, but it is happening. It's not chemical locha, something like that. So it's like how manage. So it's that energy that drives me. Like once office is finished, after office hours, studio. And the plus point is studio is nearer to it. And I can at least have a nap and a rest also, so that I will be refreshed. That is how then I start recording and all. And then थोड़ा सा देर हो जाती है घर बट घर वाले आप अंडरस्टैंडिंग हो चुके हैं कि नो शी इज डूइंग वर्क शी नीड्स एंड उसके बाद आई डू पॉटरी यस आई डू उसके बाद लाइक एट 11:30 और 12 आई स्लीप इन बिटवीन आई हैव डिनर एंड ऑल दैट सो यस दिस इज हाउ आई मैनेज सो यू व्हेन यू रीच होम फॉर लाइक कितने टाइम तक आप बोर्ड ये करते हैं When I reach home, I immediately either take tea or something to eat to have some energy and rush to my pottery wheel. And I do it for an hour or so. 1 hour or 2 hours. I have to be on or 2 hours. अच्छा अब मानते हैं कि मतलब ये एक ultimate talent है. Yeah. To convert a piece of mud. आप किसी से भी मोहब्बत करें और उस चीज़ को मोहब्बत से कुछ भी बना दें तो वो एक प्यारी सी चीज़ मतलब उसको मैं बोलूँगी मैं टैलेंट या नहीं है मुझे मैं खुद से क्या बोलूँ टैलेंट है या नहीं बट हाँ हर कोई नहीं कर सकता जिसको दिल से मोहब्बत होगी किसी काम को नहीं लाइक आई कांट बी सिंगर You are a singer. You can play guitar. So same way, I'm a potter. Maybe you learn. Maybe you can do. I can't say you can't do. But pottery is something. If you love mud, if you love clay, if you love to get dirty, and then you want to create something, and you want to forget the world, you want to focus everything on it. Your energy, your time, then you can. But I guess it's a masterclass thing. Like you convert a piece of mud. Into something.
you actually put life to it. You actually given life to it. So to you, it's do you like think the, it's a masterclass? It's like your ideas into it. It's everything. And more importantly, it's like a soothing thing. It's like I love to do it. It's like a stress buster. It keeps me cool, calm, and it gives me more energy. That's more important. Okay, for how long have you been doing it? It's been now 3-4 years. I can precisely say it more precisely. अच्छा आप इसमें खुद ही चले आए कि आपको मतलब लाया गया इसमें लाया गया मुझे तो निकाला जा रहा था बट आई सर्च्ड फॉर इट इट वाज इन माय हेड मैंने कहा ना जैसे करालपुर अचानक बन गया ऐसे ही करालपुर की बैठक सो गुड थिंग्स हैपन सडनली यू नेवर नो ऊपर वाला कब कैसे कोई भी चीज़ अचानक सो ये अचानक ओके आई हैव अ वेरी पर्सनल एंड अ फनी क्वेश्चन सो व्हाट इज योर नेम Like on Facebook. Kralkut. Okay. Who is your Kralkut? Kralkut. I'm sorry. अभी बना रही Kralkut. जब बनेगा तब बता दूँगी. Okay. तब मैं उसको बोलूँगी you have to create a page Kralkut. Then only I can be with you. And if he will be ready to be my Kralkut then only I will be with you. Otherwise no. No engineer, doctor and all. I need no offending, it was the fun, okay? That was good question. Yaar, tum to mera hi podcast kar rahe ho. So we are done. We are done aur yaar, aage traffic jam bhi ho gaya. Aaj jo main dikhati hu bhi words to. Ismit Magam. Adil Kashmiri ke saath hum hain. Chand Nawab. From Birwa. बडगाम को हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं अल्लाह हाफिज़ आदिल अल्लाह हाफिज़ जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक जब कोई दोस्त आया ना हमको नजर हमने घबरा के तन्हाइयों से सबा एक दुश्मन को खुद हम सफर कर लिया सादगी तो हम पहुंच गए स्टूडियो और इसमें मेरा सारा तैयारी का सामान है आई शो यू ये तो नॉर्मल ही है यहाँ पे एक पूरा मकान हमें दे दिया गया है गाड़ी बंद कर दी ना गाड़ी का पीछे वाला शीशा तो टीम से भी मिलाएंगे स्टूडियो भी दिखाएंगे यहाँ से मैं जाना मैं पता सुबह सोच रही थी जो यहाँ पे झूला है ना उसको हम पेंट करें ठीक है नाइस आइडिया ऐसा कुछ पेंट कर दो क्या बात है लोग नहीं फौज है दो दिन से सफाई ये किचन रूम साफ नहीं है ये साफ है हमने किया था चाय पहले साफ कराओ। रुको जरा सबर करो जाती हूँ थोड़ा साफ हो गया कि हाँ भाई आई काइंड ऑफ चेंज तो इनके लिए ये साफ है चलेगा है ना चलेगा लेट मी शो यू वो लोग क्या कर रहे हैं ऊपर मैं ही लेके चलती हूँ अब तो तुम्हें गाना पड़ेगा कहाँ चल रही है तैयारी अस्सलाम वालेकुम बहुत ही खूबसूरत बजा रहे हैं आप माशाल्लाह वेरी नाइस और ये है हमारी स्टूडियो के बैक साइड लश्करी खूबसूरत हर दरश आवाज़
हर दाने वाला है। यहाँ हम करते हैं रिकॉर्ड। यहाँ पे कुछ है, क्या है? वसीम का दुकान। वसीम का दुकान? कैसे, क्या है? वसीम का दुकान। वसीम का दुकान? अस्सलाम वालेकुम। वाओ, ये तो टोटली शिफ्ट हो गया, ज़्यादा लग रही है मुझे मेहनत की हुई है तुम सबने। नाइस नाइस। सो लाला लैंड, ये किसका गिटार है और क्या चल रहा है, काम चल रहा है? अच्छा, आपसे तो मैं मिली नहीं। हेलो, आप ठीक हो? ये है मुनीब। कैसा था आपका ऑफिस आज? अमेजिंग। तुम आ गए इसमें, मैं कुछ नहीं कर सकती। मतलब आना तो है ना, क्यों नहीं आना है तुमने? Okay, हाँ, ऑफिस वाज गुड। ऑफिस के बाद सीधे आके यहाँ पे है, सोचो देखो एनर्जी लेवल अभी भी ऊपर है। तो बस तो ऑफिस के रास्ते में स्टूडियो है, तो इसीलिए और घर आना पड़ता, नहीं लगता कि घर ही जाओ। और आज हेयर चिकन बस इशू। अब मैं आपको दिखाऊंगी जब थोड़ी बहुत शूटिंग शुरू होगी एंड ऑल कैसे होता है। बाय यार, मैं तुम्हें एडिट करूं ये तो भाई से कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी हाँ 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 कैसा बजे? 7 बजे तो दियो ना, तो बस आराम करो। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? I have to go downstairs to have my hijab और थोड़ा सा touch up. So I got ready. अब ऊपर चलते हैं, कुछ राग लगा हुआ ऊपर। मुझे उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। मुझे उम्मीद है सीरियस से बखैर आप होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी क्रालकुर, जो लेकर आई है अलाइट स्टूडियोज के साथ क्रालकुर की बैठक। चल हो गया ना बिकेस में? नहीं नहीं, एक और बार, एक और बार। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। Assalamualaikum, hello everyone. I hope you all are fine. मुझे उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद तो सही ऐसे बखैर आफियत। मैं हूँ आपकी अपनी क्रालकुर, जो Elite Studios के साथ मिलकर एक बेहतरीन पॉडकास्ट लेके आई है, क्रालकुर की बैठक, आपका अपना पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट का जो पहला एपिसोड है वो इस थर्सडे को यानी 12 सितंबर को रिलीज होने वाला है यूट्यूब चैनल क्रालकुर की बैठक पर। और जो भी अपडेट्स है रिगार्डिंग दिस पॉडकास्ट वो आपको मिलते रहेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पर। आई होप यू ऑल विल शो इट। मुझे उम्मीद है आप अपना बहुत सारा प्यार जो है वो इस क्रालकुर की बैठक को देंगे। तब तक के लिए खुश रहे, खुशहाल रहे, अल्लाह हाफिज। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो निकलो निकलो, अंधेरा। ये हो गया मेरा बैग। हाँ श्योर, ये हो गई गाड़ी की चाबी और चाबी। बहुत अच्छा गाते हो सूफी, यू आर रियल सूफी। मैम कैसा रहा आपका आज का दिन? आज की इवनिंग मैं कहूँगी, क्योंकि okay. हम तो इवनिंग टाइम स्टूडियो पे रहते हैं। बहुत अच्छा, मजा आया मुझे। बहुत सारे टेक देने पड़े, पेशेंस दिखाई टीम ने, और अंधेरा हो चुका है। आपने असल में एक्सटेम्पररी किया, मतलब आपने प्रिपेयर नहीं किया था तो? हाँ वो तो है, और वही ठीक रहता ना, प्रिपेयर नहीं आप करते, लेकिन थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी चाहिए। कैसा रहा वैसे और ऑडियंस तुम देख रहे थे? मजा आया। चलो फिर, आई होप पॉडकास्ट में भी सबको मजा आया। इंशाल्लाह 12 सितंबर को आ रहा है, थर्सडे को, डू वॉच इट।
डन डन बाय। नेस्ले नो क्रॉस। घर से फोन आ गया कि घी खत्म हो गया तो मुझे घी लाना पड़ा, तो आई वेंट टू सुपरमार्केट और वहाँ मुझे ख्याल आया कि यहाँ तो अचार भी बहुत अच्छे हैं, फिर कुछ अचार भी ले लिया एक दो। और पानी का बोतल बहुत थकने के बाद देन इट्स एंड ऑफ द डे फाइनली, और कुछ देर में मेरा जाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।